नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं निखत बीटीएस न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। और ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं बिहार के मधेपुरा जिला स्थित गम्हरिया प्रखंड मुख्यालय की। और आज सुबह 11 बजे बिजली के झटके से एक 40 वर्षीय युवक जिनका नाम मनोज कुमार भगत है का देहांत हो गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। बताता चलूं कि मनोज कुमार भगत अपने घर में वाटर मोटर की रिपेयरिंग कर रहा था। इसी क्रम में करंट की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। साथ ही कुछ ही देर में ये घटना की जानकारी पूरे प्रखंड मुख्यालय में आग की तरह फैल गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि उसके 10 वर्षीय लड़के का रो रो के बुरा हाल है। अब देखना ये है कि सरकार के आपदा राहत के तहत इसे कुछ सहायता दी जाती है या नहीं। मृतक अपने पीछे पत्नी के अलावे 3 बच्चों को छोड़ गया है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। और यहाँ जो घटना हुई है उसके बारे में जानकारी दीजिए। उसके बारे में ये जो है ना, मोटर का तार जो है ना अपने आप के मतलब जोड़ने के लिए, और ये फ्यूज निकाल के गया, उसमें करंट था ही, लाइन बंद नहीं हुआ था। अच्छा, मृतक का नाम क्या था? मृतक का नाम मनोज कुमार। मनोज भगत। उम्र क्या रही होगी उसकी? 36। और आपका नाम? एमडी मुन्ना। और इस घटना के बारे में जानकारी दीजिए। हम मार्केट से जा रहे थे तो एक बार इस जमीन के घर के सामने आए तो हल्ला हुआ, करंट लग गया, करंट लग गया, सब उठा के हम लोग गाड़ी कर दिए। जब तक हॉस्पिटल पहुँचे थे, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इसको डेड घोषित कर दिया और लाइन से ही जो इनकी मृत्यु हुई है। ये गम्हरिया वार्ड नंबर 6 है ना? हाँ हाँ। और मृतक की उम्र क्या रही होगी? 36। उसका नाम क्या है? मनोज भगत। और आपका नाम? मेरा नाम अमन कुमार। इस घटना के बारे में जानकारी दीजिए। अभी हम घर पे थे, यहाँ हल्ला हुआ कि किन्हीं को लाइन लगने से किन्हीं का डेथ हो गया। वायर देखो कि मोटर बंद करने के चक्कर में वहाँ पे कुछ स्पार्किंग हुआ, मोटर बंद करने के लिए गए तो करंट के संपर्क में आने से उनकी मृत्यु हो गई। उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया लेकिन वहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। और भैया आपका नाम? विनोद भगत। और इस घटना के बारे में जानकारी दीजिए। घटना के बारे में हम गांव पहुंचे तो बोला कि पार्किंग कर रहा है मोटर, गया होगा बंद करने के लिए। क्या नाम था मृतक का? मनोज भगत। उम्र क्या रही होगी उसकी? 40। 40 या 40। मोटर सी जी आप। क्या नाम है आपका? रामशंकर कुमार। और ये जो अभी दुर्घटना हुई है यहाँ पे बिजली के द्वारा, कैसे हुई इसके बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए। तो ये तार को सही कर रहा था मोटर वाला, मोटर वाला तार है ना सही कर रहा था, इसी में लगा, पैर खलिया होगा, यही पे झटका लगा है। और भैया आपका नाम? अरुण भगत। आपको क्या जानकारी इस घटना के बारे में? यही जानकारी, करंट लगा। करंट लगा। और भैया आप? मेरा नाम प्रमोद कुमार भगत जी। ये घटना जो है अभी अस्तित्व आए हैं, यहाँ देखे तो इसमें यहाँ इलेक्ट्रिक का तार गिरा हुआ है जी, और मोटर से कनेक्ट किया हुआ था जी, जो कि उसके शरीर के अंदर में भिजा हुआ दलदल जमीन था। छूने के बाद उसका शरीर जो पूरा इलेक्ट्रिक से धस हो गया, एटेम यही उनका मौत हो बताया गया, जो इसका मौत हो गया। हॉस्पिटल लेके गया था, वो ऐसे मृत घोषित किया गया, घोषित कर दिया तब वो। Oh, 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 oh
बताता चलूं कि मृतक मनोज कुमार भगत दिल्ली में मजदूरी किया करता था। और अब एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि उनके बच्चे और बीवी का क्या होगा, उसे देखने वाला कौन है, यह एक सवाल खड़ा करता है। BTS न्यूज़ से मैं मोहम्मद आलम, जय हिंद। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मीडिया टीम को दीजिए इजाज़त। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए BTS न्यूज़। जय हिंद।